हनुमान मंदिर में 1100 दीप जला डाले ग्रामवासियों ने, जिसकी वजह से अनोखा नजारा नजर आया मंदिर परिसर में। यही नहीं, रंगोली को भी दीपों से सजाया गया। 1100 दीप जलाकर हनुमान मंदिर को रोशन कर दिया, रंगोली को भी दीपों से सजा दिया। अनोखा नजारा नजर आया रीवा में पहली बार, रीवा के करहिया नंबर 2 के हनुमान मंदिर में। रीवा जिले के करहिया नंबर 2 में स्थित हनुमान मंदिर दरबार में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 दीप एक साथ जलाए गए। रीवा में पहली बार एक साथ 1100 दीप जलाए गए। इतने दीप एक साथ जलाना एक अनोखा नज़ारा, जिसे हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। अभी तक इस तरीके का आयोजन अयोध्या में ही किया जाता था। वहीं से प्रेरणा लेकर रीवा में भी इस तरीके का अनोखा नज़ारा बनाने का निश्चय किया था करहिया के लोगों ने अपने यहाँ स्थित हनुमान मंदिर में, जिसके चलते उन्होंने मंदिर परिसर में 1100 दीप जलाए। वहीं छोटी छोटी लड़कियों ने खास तौर से रंगोली बनाई, उसको भी दीप से खास तौर से सजा दिया। दिवाली बीत गई, छोटी दिवाली भी बीत गई, लेकिन लोगों के मन में अभी भी उत्साह उमंग से दीपावली सरोबर है। इसी को लेकर लगातार दीप दान के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते 1100 दीप जला डाले करहिया नंबर 2 स्थित हनुमान मंदिर में। दीपों की रोशनी में मंदिर की रौनक देखते ही बनती थी, जिसकी वजह से मंदिर परिसर सहित चारों ओर दीपों का प्रकाश अनोखी छटा बिखेर रहा, चारों ओर अनोखा प्रकाश फैला रहा। इस तरीके का नजारा वहां के लोगों ने पहली बार देखा था। वजह सीधी साधी और साफ थी। अभी तक मंदिर परिसर पूरी तरीके से बिजली के बल्ब से ही रोशन रहा करता था। पहली बार इसको अनोखे तरीके से सजाया गया था, इसलिए एक अनोखा नजारा ही नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत की बालिकाओं रंग बिरंगी रंगोलियां बनाई गईं, जिनको जलते दीपों से भी सजाया गया था, जिसकी वजह से बनाई गई रंग बिरंगी रंगोलियां खास तरीके से अलग ही नजर आ रही थी। रंगोलियों पर दीप सजाना एक अनोखा नजारा, मंदिर परिसर में 1100 दीप जलाना अपने आप में एक नए तरीके से मंदिर को सजाना, जिसकी इलाके के लोग भरपूर प्रशंसा भी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रज्वलित दीपों की सहायता से दीपोत्सव सहित श्री नाम नाम की दीप श्रृंखला भी बनाई गई थी। मंदिर को 1100 दीपों से ऐसा सजाया गया था जिसकी खूबसूरती चलते दीपों की रोशनी से मिनट भर के लिए किसी की नज़र भी ना हटे। ऐसा नज़ारा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, इलाके के लोगों ने दीपोत्सव कार्यक्रम अयोध्या में मनाए गए दीपोत्सव की तर्ज पर रीवा में भी मनाया। माना जा सकता है अयोध्या में अभी तक जिस तरीके से दीपदान होता था, भारी संख्या में वहां दीप जलाए जाते थे, जिसको लेकर अयोध्या समय समय पर रिकॉर्ड भी बनाती है। श्री राम की नगरी अयोध्या से ही प्रेरणा लेकर रीवा के करहिया मंदिर में, श्री राम के परम भक्त हनुमान मंदिर में जिस तरीके से एक अनोखा नज़ारा प्रस्तुत किया गया, वो दर्शनीय था। इस तरीके का नज़ारा रीवा शहर के लोगों ने पहली बार देखा था।